असर्शन रीजन, हालांकि कुछ असर्शन रीजन हमने क्लास में भी सॉल्व करे थे, बेसिकली एक तो हैबिट बनानी है कि असर्शन रीजन में वो जो चार या पांच स्टेटमेंट्स शुरू में दिए होते हैं, अपन नॉर्मली क्या सोचते हैं कि सी का मतलब स्टेटमेंट ट्रू रीजन रॉन्ग या बोथ रॉन्ग, पर कई बार ऐसा होता है कि वो अलग चॉइसेस दे देते हैं। तो एक तो आदत बनानी है इंस्ट्रक्शंस को रीड करने की। इंस्ट्रक्शंस रीड करने में मुश्किल से 2 या 3 मिनट का टाइम लगता है, पर हैबिट बनाओ कि ए बी सी डी का मतलब क्या है, क्योंकि हो सकता है वो चेंज कर दें। जैसे एक बार एम्स में ऐसा हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, एक सेट पैटर्न होता था कि ए आंसर है अगर बोथ ट्रू एंड रीजन इज द एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, बी आंसर है अगर बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, इसको कम कर देना, सी है अगर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, और डी है अगर दोनों फॉल्स हैं। ये सालों से एम्स में चला आ रहा था और स्टूडेंट्स इसे फॉलो भी करते थे, तो एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट थी, और उस साल उन्होंने ये चेंज कर दिया और डी ऑप्शन कर दिया, असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू, और बहुत स्टूडेंट्स का गलत हुआ था क्योंकि उनकी आदत ही नहीं थी वो चार पढ़ने की। तो एक तो ये आदत बनाइए, इवन यहाँ पर भी जब टेस्ट दोगे, इवन जब क्लास में PS2 सॉल्व किया करोगे, तब भी हमेशा आदत बनानी है इंस्ट्रक्शंस रीड करने की। बहुत छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नंबर वन। नंबर टू, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे सपोज करो कि एक ऑप्शन है उसमें बोथ फॉल्स, तो सपोज आपने जो भी असर्शन दिया हुआ है उसको पढ़ा, और अगर वो फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है, और सी ऑप्शन है असर्शन ट्रू, ए में भी ट्रू, बी में भी ट्रू, सी में भी ट्रू, तो बात ही खत्म हो गई, सीधे आंसर डी आ गया, स्टोरी एंड हो गई। पर अब एनटीए गलत क्वेश्चन भी बनाने लग गया है, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चेक करना पड़ेगा कि सेक्शन ए का है या सेक्शन बी का है, और छोड़ने पे बोनस मिलेंगे या अटेम्प्ट करने पे बोनस, उसकी बाद में करेंगे। अब एक मोटी मोटी बात करते हैं, मान लो असर्शन ट्रू है तो अब आप रीजन पढ़ोगे, अगर रीजन फॉल्स हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे आंसर सी हो गया, हम स्टैंडर्ड वालों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये रीजन ट्रू हो गया, अब फिर दो चॉइसेस हो सकती हैं, ए या बी, ए या बी, एक सेकेंड, अब क्या करना रहेगा अपने को इस ए और बी में से। अब आप रीजन को जब रीड करेंगे, अगर मान लो दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है, एक माइटोकॉन्ड्रिया का है स्टेटमेंट जो है और रीजन क्लोरोप्लास्ट का है, तो बात ही खत्म हो गई, कोई रीजन का लेना देना नहीं है, तब तो बी आ जाएगा, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, तब तो बी आ गया, बात खत्म। लेकिन अगर वो सेम टॉपिक से है, सेम टॉपिक से, तो फिर कंफ्यूजन आएगा कि ए होगा या बी होगा। अब उस केस में दो तरीके होते हैं करने के, जो अभी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, क्लास में भी करवाए थे। एक तरीका होता है कि असर्शन पढ़ो और बिकॉज लगाओ। अभी बिकॉज इंग्लिश में नहीं लगाना, ये बिकॉज अपनी मातृभाषा में लगाना है। आप हिंदी बोलते हैं तो क्योंकि, और अगर आप बंगाली, गुजराती, मराठी जो भी बोलते हो तो उस भाषा में लगाओ, और उसके बाद जो रीजन है उसे पढ़ो, उसे पढ़ो। अगर लॉजिक बनता है, सेंस बनता है तो ए, और अगर लॉजिक नहीं बनता है तो बी। एक तो ये तरीका होता है और ये प्रैक्टिस से आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, और रीजन दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी, ये लॉजिक बन रहा है तो ए आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट ऐसा कर दूं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी, और रीजन लिखूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, अब सुनो इसको ध्यान से, ज्यादातर स्टूडेंट इसको ए लगाकर आएंगे, पर अब मैं रीड करके बताती हूं, फटाफट सेटल डाउन हो जाइए जहां जगह दिखे। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी बिकॉज इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, लॉजिक बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा, अब इसका बी हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से आता है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर योर माइंड विल कीप ऑन वर्किंग। लेकिन आ जाता है, ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, अब आपको यही सब पता ही नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है, तो फिर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है उसकी। अब दूसरा तरीका जो मैं फॉलो करती हूँ सालों से, जो मेरा तरीका है, जिसको जो सूट करे, अब आपको ये हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आपका माइंड आसानी से किसे एक्सेप्ट करता है, और उस एक को प्रैक्टिस करना है फिर पूरे साल एक ही तरीके से। मैं कैसे करती हूँ, मैं पहले रीजन पढ़ती हूँ,
और फिर मैं इसलिए या दैट्स वाई, जो भी इंग्लिश में बात करते हो आप ज्यादा तो दैट्स वाई लगा सकते हैं. फिर मैं असर्शन पढ़ती हूं और फिर वही दो ऑप्शन, अगर लॉजिक बना तो ए और लॉजिक नहीं बना तो बी. जैसे मैं कैसे पढ़ती पहले वाले केस को, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है इसीलिए उसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, लॉजिक बन रहा है ए. दूसरा वाला बताती हूं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसीलिए वो एटीपी बनाता है. ऐसा थोड़ी ना होता है कि अब मैं तुमको शाहरुख खान बोल दूं तुम पिक्चर करने लग जाओ, यू करने लग जाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है. आप यू करते हो तो आप शाहरुख खान हो, आप ऐसा शाहरुख खान बोलने पे थोड़ी ऐसे करने लग सकते हो, तो वो लॉजिक नहीं बन रहा है. तो जिसको जो सूट करे आज ट्राई करिए, और जिसको जो सूट करे उस एक को पकड़ो. आज तय हो जाना चाहिए अपने को किससे कंफर्टेबल है और उसे प्रैक्टिस करना है. मैं पर्सनली इसे प्रैक्टिस करती हूँ, समहाउ मेरा माइंड जो है वो शुरू से इसको करता आया है. ठीक है, अब असर्शन रीजन हम ऑलरेडी बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में, क्योंकि आप लोग को एनसीईआरटी थरली पढ़ने की मैं शुरू से प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जहां पर भी सो देयरफॉर हेंस डज दैट्स व्हाई ऑल्दो ऐसे शब्द मिल जाएं, ऐसे कोई भी शब्द मिल जाएं, उसका मतलब है उन लाइंस में से असर्शन रीजन बनता है. जैसे आपको याद होगा एक बार असर्शन रीजन एम्स में भी आया हुआ है कि फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव, और ऊपर लिखा था ईआर गॉल्जी बॉडी लाइसोसोम वैक्यूलिन के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, हेंस दे फॉर्म पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. वहां लिखा हुआ ये सो करके, तो जहां भी सो डज इसीलिए क्योंकि हालांकि ये सब शब्द आ जाते हैं वहां से असर्शन रीजन एनसीईआरटी से बनते हैं. तो अब ये दिमाग, क्योंकि आपको मालूम है आपने देखा बहुत बार होगा, पर हमारे माइंड को जो बात पता नहीं होती उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है. अब आप जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको अपने आप ये शब्द जो है जो नॉर्मली मिस हो जाते थे वो आपको दिखाई देंगे और आपको खुद भी समझ आएगा कैसे असर्शन रीजन बनते हैं. चलिए आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे पहला क्वेश्चन, हमेशा इंस्ट्रक्शंस को हम रीड करेंगे, तो पहले दो इंस्ट्रक्शंस तो वही हैं, ट्रू रीजन इज द एक्सप्लेनेशन, ट्रू बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन. थर्ड है ए ट्रू आर फॉल्स, और फोर्थ है ए फॉल्स आर ट्रू. पहला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी सेल बिहेव्स एज अ कंपार्टमेंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, एक कंपार्टमेंट है, ट्रू यानी डी तो नहीं हो सकता. अब सेल्स आर पार्शियली कवर्ड ओवर बाय अ मेम्ब्रेन, फुल्ली कवर्ड ओवर बाय अ मेम्ब्रेन, ये फॉल्स. तो ये ट्रू और ये फॉल्स, आंसर क्या आ जाएगा? सी. अलग से आंसर की बनाइएगा, पीएसएस 2 में मार्क मत करिए अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, मैंने हमेशा बोला है ताकि आप इसको रिवाइज कर सके. ऑलरेडी यहाँ पे सी लिख दोगे तो फिर इतना ईमानदार कोई भी नहीं है कि वो सामने लिखा है फिर भी खुद से दिमाग लगा के सॉल्व करे. तो आंसर की अलग बनाइए.